होगा अभी। 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, तो YouTube की तरफ से क्या मिलता है मैं चलिए आपको बताता हूँ। माय नेम इज प्रिंस पटेल, दिस इज माय YouTube चैनल टेक ब्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं तो आप यहाँ से कस्टम अपने चैनल नेम को चेंज कर सकते हैं, मोबाइल से या आप लैपटॉप से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्रोम को ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब ओपन करना है। जैसे ही यूट्यूब ओपन होता है उसके बाद आपको अपने पिक्चर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो पे आना है। देख सकते हैं मैं यूट्यूब स्टूडियो पे आ चुका हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे करंटली सब्सक्राइबर 107 मेरा हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा होगा लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसमें कुछ बता देता हूँ। यहाँ से आप अपने चैनल का टेलर कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रांडिंग में कुछ बता देता हूँ। यहाँ से आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड पिक्चर जो भी है, और यहाँ से आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं जो कि वाटरमार्क होता है। उसके बाद आपको बेसिक्स में आना है, उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ देख सकते हैं चैनल यू आर जो भी यहाँ पे पहले मेरा नेम देखिए दोस्तों ये है। तो आपको चेंज करने के लिए कंप्लीट 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सेट एज कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ दोस्तों यूट्यूब में यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है www.youtube.com/c/ उसके बाद टेक ब्रीम। इसके आगे ये यूनिक नेम है, नहीं तो इसके आगे भी कुछ लिखा होता अगर यूनिक नेम नहीं होता तो 1, 2 या और कुछ। तो और यहाँ से आप अपना कुछ भी और चैनल में नाम ऐड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मेरा यूनिक नाम ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पब्लिश पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे बोलेगा कन्फर्म कस्टम URL www.youtube.com/c/techbrim। तो आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे ही कन्फर्म कीजिएगा ऑटोमेटिक देखिए दोस्तों ये मेरा यहाँ से कस्टम चैनल हो चुका है और यहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं चाहूँ ये डिलीट करके फिर से नया करने का तो यहाँ से डिलीट करके नया कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और मैं दूसरे टैब में गया। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना चैनल जो भी कट किया था उसको मैंने पेस्ट किया, फिर इंटर करता हूँ। देखिए दोस्तों मैं अपने प्रोफाइल पर आ चुका हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों पहले मेरा URL कितना बड़ा था और कितना भद्दा लग रहा था। आप देखिए जो कस्टम URL जो कि यूनिक भी है और बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी है और ये किसी को भी याद रहेगा, और मेरा जो भी चैनल का नाम है वही हमको मिल चुका है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें।